वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और बहुत कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमने डाइव टू लर्न नाम से एक ऐप लॉन्च करी है जो नेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। आज आप आज ही जाइए और गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमें 5-स्टार रेटिंग के साथ सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, यह हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग, इसे समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। तो क्यों ना पहले इनकम स्टेटमेंट की बात कर ली जाए। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट की कैलकुलेशन। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाती है? जितनी हमने क्वांटिटी बेची, सेलिंग क्वांटिटी, अगर हम उसे उसके प्राइस से यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स निकल आएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने 500 यूनिट बेची और हर यूनिट थी 20 रुपये की, तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये, है ना? तो यहाँ पे सेल्स आ गई 1000 रुपये। सेल्स कितनी हो गई? 1000। अब इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट माइनस होती है सेल्स में से? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। पहले कौन सी कॉस्ट माइनस की जाती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल माइनस की जाती है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट होती है ये? जितनी क्वांटिटी आपने बेची है, यानी कि जैसे आपने 500 क्वांटिटी बेची थी, 500 यूनिट्स, और हर यूनिट मान लीजिए आपको पड़ी थी 12 रुपये की, ठीक है? तो 12×5=7, 6000 रुपये आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। 600 रुपये माइनस कर देंगे, या वो 10000 था क्या ऊपर वाला? वो 10000 था, ये 6000 हो जाएगा। तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 4000 रुपये का, ठीक है? टोटल कंट्रीब्यूशन 4000 का हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? यानी कि यूनिट्स को बेचने से जो डायरेक्ट इनकम एक तरीके से होती है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे ना, उसी तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसे हम। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो निकलता है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और फिर बारी आती है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने की। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। इसी का दूसरा नाम होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसे केवल प्रॉफिट के नाम से ही जानेंगे, तो हमें एबिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको याद क्या रखना है इनकम स्टेटमेंट में, कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स। आपको इसका प्रोसेस याद करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या निकल आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिर क्या माइनस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। बताओ, ये याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना था। आगे बात करते हैं, प्रॉफिट के बाद क्या बात आएगी? अब ये इनकम स्टेटमेंट हमारे काम आने वाली है ऊपर फार्मूलों में। हम काफ़ी सारे फार्मूले याद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट याद होना बेहद ज़रूरी था। अच्छा, अगर एक जनरल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे सेल। सेल क्या है? क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लीकेशन है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? क्वांटिटी का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लीकेशन, यानी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो थी उसे जितने यूनिट बेची अगर उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एक यूनिट पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो तो क्या निकलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस CPU को कॉस्ट पर यूनिट मत समझ लेना, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी एक यूनिट बेचने से कितने रुपए कमाए। मान लो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस था 20 रुपए, आपने उसको बनाया था 12 रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट थी 12, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? 8 रुपए। तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद हम सेलिंग क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये थी हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इस टॉपिक के फार्मूलों की।
इस टॉपिक के अंदर जो फार्मूले हैं उनके अंदर इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक बेसिक फार्मूले और एक एडवांस्ड फार्मूले। इनफैक्ट ये जो एडवांस फार्मूले हैं इन्हें करने के लिए इन बेसिक फार्मूलों का आना जरूरी है। ये जो बेसिक हैं अगर ये हमें आते होंगे तभी हम एडवांस वाले सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एडवांस वाले में अगर आप ध्यान दें CPU 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 तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना आना चाहिए जो यहाँ सिखाया जाता है। अगर आप इन फार्मूलों में देखो तो PV रेशो निकालना यहाँ सिखाया जाता है। तो आप लोगों को यानी कि बेसिक फार्मूले पता होंगे तभी आप इसके एडवांस वाले फार्मूलों को कर सकते हैं, और इनको याद करना जितना आसान है मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा याद करने का आप बस सुनते जाइए, आपको इस वीडियो के एंड होने तक एक एक फार्मूला याद हो चुका होगा, आई अश्योर यू। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक एक फार्मूले को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपकी ऐसी कमाई जो माल बेचने से हुई है यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही। अभी हमने इनकम स्टेटमेंट देखी थी, इनकम स्टेटमेंट में आपने देखा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकला, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो निकला। ये वही तो फार्मूला है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, है ना। अच्छा दूसरा आपने फार्मूला क्या देखा कॉन्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे आपने देखा कि एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता है तो जितनी यूनिट आपने बेची थी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो देखो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का दूसरा फार्मूला आ गया, ये रहा सेलिंग क्वांटिटी इंटू CPU। तो आपने ऊपर से नीचे पढ़ा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ा, तो जितनी क्वांटिटी बेची इंटू एक क्वांटिटी पे जितने रुपये कमाए, ठीक है। अच्छा अगर आप जानना चाहो कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ध्यान से सुनिए, जब ये टोटल में बात करी जाती है टोटल में टी और एक बात की जाती है PU यानी पर यूनिट, जब टोटल में बात की जाती है तो टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब पर यूनिट में बात की जाती है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी जब टोटल में निकालना होता है कंट्रीब्यूशन तो टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जब पर यूनिट में निकालना होता है तब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, टोटल में टोटल वाला डिफरेंस आता है तो दोनों में वही सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे भी वही है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन मुद्दा क्या है वहाँ पे टोटल सेल टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, जब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात होती है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात होती है, ठीक है। तो आपको ये तीन फार्मूले तो याद हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, आओ जरा एक बार फिर से इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने आपसे कहा आप कोई भी फार्मूला बनाना सीखेंगे वो आपकी इसी इनकम स्टेटमेंट से बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इनकम स्टेटमेंट में अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, और आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे। भाई कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट आता है, तो अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो क्या फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, ये उधर चले जाएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। यही फार्मूला हमारे यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं, अब हमारा इसी में एक और स्पेशल फार्मूला है वो है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। इस फार्मूले को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं और हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं। नया टॉपिक चालू करने के लिए हमें अब पीवी रेशो पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी कितना लेवल का माल बेच के कितने रुपये का प्रॉफिट कमाया जा सकता है, प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशो। वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स, माल कितना बेचा, तो प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशो। लेकिन यहाँ पे वर्ड है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है, पीवी रेशो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। आप इसे प्रॉफिट अपॉन सेल्स मत कर देना, ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट पीवी रेशो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये तो रहा अगर हमारे पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अगर यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100,
इसकी जगह अगर आपके पास पर यूनिट में वैल्यूज हैं आप तो भी पीवी रेशो निकाल सकते हो। पीवी रेशो अगर पर यूनिट में है तो ऊपर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स को क्या बोल देंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी आपके पास दोनों चीज़ें अगर पर यूनिट में है तो भी पीवी रेशो निकल सकता है। ऊपर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नीचे आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 तो करना ही है पीवी रेशो निकालने के लिए, क्योंकि एक परसेंटेज में टर्म निकलती है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एक फार्मूला ये पेंडिंग छुड़वाया था टोटल कंट्रीब्यूशन का, आओ जरा इसे सीखते हैं। बेटा जरा ध्यान से देखिए, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं सेल्स को इधर मल्टीप्लाई कर दूं पीवी रेशो में, यानी कंट्रीब्यूशन निकालने का मतलब है सेल्स इनटू पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन किसे बोल सकते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशो। मैं एक बार आपको है ना पीवी रेशो का मीनिंग क्लियर करता हूँ। पीवी रेशो का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो पीवी रेशो का आंसर आया, ये ऊपर आया, मान लो एक बार क्लियर करता हूँ इसको। मान लीजिए यहाँ पे आया ऊपर 12,000 और नीचे सेल्स थी 20,000 इनटू 100, ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया था। तो ये कितना परसेंट बन गया बेटा, 60%। अब ये 60% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीवी रेशो जो 60% निकला है ये क्या बता रहा है हमें पीवी रेशो 60%। ये कहता है कि सर आप जितना भी माल बेचोगे ना, जितने भी रुपए का माल बेचो उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जितने रुपए की भी सेल करोगे ना उसको 60% निकाल देना, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि 40% कॉस्ट होगी भाई, किसी भी 40% वेरिएबल कॉस्ट होगी। सोचो ना एक बार, अगर आप 100 रुपये का माल बेच के 60 रुपये कमा रहे हो, इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आई, 40। तो ये 60% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, खैर मैंने यहाँ पे शायद 8,000 लिया था एग्जांपल के टाइम, बट कोई बात नहीं, अभी फिगर्स चेंज कर दी हम लोगों ने। अगर आप 8,000 लेंगे, जैसे 20 - 12 8,000 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा अपना 40%। तो ये 40% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जितना भी आप माल बेचोगे उसका 40% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को नहीं, चलो आगे देखते हैं। अब हमारी बात करते हैं हम लोग, ये एक और फार्मूला रह गया पीवी रेशो का, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए जब हमें दो पीरियड की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, दो पीरियड की इन्फॉर्मेशन, जैसे एक प्रीवियस ईयर एक करेंट ईयर हो, या एक ही साल के दो 6 महीने हो, फर्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब दो समय की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है तो पीवी रेशो निकालने का तरीका क्या होता है। पीवी रेशो निकाला जाता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ध्यान से देखिए, इस बार कंट्रीब्यूशन वर्ड नहीं है, इस बार वर्ड क्या है, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब ये चेंज इन प्रॉफिट का मतलब आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट की वो ऊपर लिख दीजिए, करंट ईयर की सेल में से प्रीवियस ईयर की सेल माइनस कर दीजिए वो नीचे लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका पीवी रेशो निकल आएगा। तो इसमें बात ध्यान देने की है, जब दो साल के पीरियड दे रखे होते हैं, दो पीरियड के डाटा दे रखा होता है, तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स में चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं लिखते, चेंज इन प्रॉफिट लिखते हो। तो बताओ बेसिक फार्मूले याद हो गए आप लोगों को, एक बार बेसिक फार्मूले बिना इन फार्मूलों को देख के केवल इनकम स्टेटमेंट से रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन का पहला फार्मूला, तो वो था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा सेलिंग क्वांटिटी इनटू सीपीयू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट जोड़ दो। ठीक है, एक फार्मूला हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो, और एक फिर हमने स्पेशल फार्मूला पढ़ा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशो, जो फार्मूला हमारा निकला इस फार्मूले से। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, और अब हम कुछ स्पेशल फार्मूलों की बात करेंगे। तो अब बात आती है बड़े फार्मूलों की, एडवांस्ड। ऑफ कोर्स सवाल तो इसी पे आएगा, अगर आएगा तो, है ना, लेकिन इनको करने के लिए हमें उसको पता होना जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट। तीन चीजें यहाँ पे हमें देखनी होंगी, एक ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसी से हम ये जानना चाहें कि हम कितनी सेल करें अगर प्रॉफिट इतना हो, मतलब अभी बताता हूँ, चलो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताता हूँ पहले क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो,
जहां पे आप बिल्कुल कमाई नहीं रहे, बिल्कुल उतना ही पैसा निकल रहा है आपका प्रॉफिट जितना खर्चा हुआ था। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के जो पैसा हुआ वही आपका, ये जो आप TFC इक्वल्स टू TC देख रहे हो, TC का मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कमाया अगर उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट हो जाए तभी तो ये नील आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हों तभी तो ये नील आएगा, यानी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था क्लास खत्म होने से पहले सारे फार्मूले याद करवा दूंगा, और वही ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ याद करने की। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको दिमाग में ये जाना जरूरी है कि कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है तब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दो चीजें आपको याद आ रही है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों इक्वल हो तब। आइए फार्मूला याद करवाता हूं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला बनेगा, ऊपर आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट और फिर नीचे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नीचे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, एक यूनिट पे कितना कमाया, तो आपका ये निकल आएगा कि भाई इतनी यूनिट बेचने से आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस। अब आपको बताऊं, ये जो भी हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं तीनों में निकालने के आंसर निकालने के दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो आंसर पूछा जा सकता है यूनिट्स में कि कितनी यूनिट बेच के मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, या फिर आंसर पूछा जा सकता है रुपीज में कि कितने रुपए का माल बेचने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं इसको, ऊपर इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये होता है ब्रेक इवन सेल्स जब रुपीज में पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनिट और सेल्स में किसी भी चीज को निकालने का एक सिंपल तरीका याद रखने का, जब भी आपसे कोई चीज यूनिट्स में पूछी जाए तो आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक, आगे के टॉपिक समझाऊंगा अभी मैं, लेकिन मैं आपको याद कर दिलाना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई भी चीज यूनिट्स में पूछी जाए तो आपको किससे डिवाइड करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है, और कोई भी चीज अगर आपसे रुपीज में पूछी जाए इनमें से तो आपको डिवाइड किससे करना है, पीवी रेशो से। ठीक है, तो ये थी इसकी स्पेशल ट्रिक कि आपको पहले तो ये बात पता चल गई कि सब फार्मूलों में एक बात कॉमन है कि इनका डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर आपसे रुपीज में यूनिट्स में पूछा गया है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और अगर रुपीज में पूछा गया है तो पीवी रेशो है, तो एक बात तो श्योर हो गई। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं कि सर ऊपर क्या आएगा वो और याद हो जाए। देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है, ये सोचना कि क्या हम फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं। तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में क्या आ गया, ऊपर फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में ऊपर क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट, नीचे क्या आएगा वो तो अब आपको याद हो गया। ठीक है, मैं एक बार और फिर से बताता हूँ आपको। देखो नीचे के लिए तो आप लोगों ने एक बात को श्योरली कर लिया कि नीचे क्या आना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आना है अगर आपको आंसर चाहिए यूनिट्स में, और नीचे आना है पीवी रेशो अगर आपको आंसर चाहिए रुपीज में। पहली बात तो ये क्लियर, ऊपर की बात की और बात कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट याद आएगी आपको यहाँ पे कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है नहीं हो रही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में ऊपर क्या आता है आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब बात करते हैं हम लोग सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट हम ये चाहते हैं कमाना, डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब हमारे मन में एक बात है कि यार इतने रुपए तो इस साल मैं कमाऊं, तो अगर मुझे इतने रुपए कमाने हों, एक फिक्स वैल्यू सोच ली कि 5 लाख रुपए तो कमाने ही है, अब ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने रुपए का सामान बेचा जाए, तो वो होता है सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। यानी यहां तो था जीरो प्रॉफिट, यहां पे क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट में जीरो प्रॉफिट, लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, यहां पे मैं क्या चाहता हूं, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। ब्रेक इवन में मैं चाहता था कि मुझे प्रॉफिट कुछ भी ना हो, बस मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, जितना भी पैसा लगाया फिक्स कॉस्ट में वो तो निकल आए, लेकिन सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट में मैं क्या चाहता हूं, यार फिक्स कॉस्ट तो निकले ही निकले, 5 लाख रुपए और आ जाए मेरे पास। तो यहां पे फार्मूला क्या बन जाएगा, आप खुद सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 5 लाख रुपए और चाहिए, तो आप यहां पे ऊपर क्या करोगे, डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे।
इजी फार्मूला है ना। आप फिक्स्ड कॉस्ट तो लिख ही रहते क्योंकि आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट पे चाहिए कि रिकवर हो, इतने रुपए तो चाहिए क्योंकि जीरो प्रॉफिट करने के लिए भी आप लॉस में ना जाओ इसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर करनी होती है। लेकिन अब तो आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ क्या रिकवर करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ऊपर क्या आ जाएगा सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? चलिए अच्छा, अगर यही चीज आपको रुपीज में निकालनी है तो बस नीचे क्या लगाना है, पीवी रेशो, ऊपर भी तो वही रहेगा, टीएफसी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि प्रेजेंटली आप कितने रुपए सेफ खेल रहे हो। सेफ का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो गई, आप जो प्रेजेंटली जो पैसा कमा रहे हो वो आपका जीरो लेवल से कितना ऊपर है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि ऊपर तो आ जाएगा वही प्रॉफिट। भाई मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कॉस्ट से ऊपर। मार्जिन किसको बोलते हैं, जब आप कॉस्ट से ऊपर होते हो तो उसे मार्जिन बोलते हैं, है ना। तो कॉस्ट से ऊपर को प्रॉफिट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अपॉन अगर यूनिट्स में है तो सीपीयू, और उसमें है रुपीज में तो पीवी रेशो। ठीक है अब आगे बात करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप इन तीनों को ओवरऑल देखिए जरा एक बार। अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपने क्या देखा, आप ब्रेक इवन में क्या देखा, फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या देखा, प्रॉफिट। और सेल्स एट डिजायर्ड में क्या हो गया, दोनों जुड़ गए, है ना। तो ये आपको फार्मूला याद हुआ, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है क्या, एक बार आइज क्लोज करके आप लोग सोचिए, इमेजिन कीजिए इस चार्ट को। पहली बात तो यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर रुपीस में निकालना है तो पीवी रेशो से। उसके बाद आप तीन चीजें कौन कौन सी सीख रहे हैं इसमें, एक सीख रहे हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, दूसरा सीख रहे हैं आप लोग सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, और तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए तो ऊपर आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट में आप फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं तो ऊपर आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में यानी आप कितना सेफ गेम खेल रहे हैं, कितना सेफ हैं, तो आप कॉस्ट से जो ऊपर कमा रहे हैं यानी कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो ऊपर लिख दीजिएगा, है ना। हो गया ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और स्पेशल फार्मूला है, यहाँ देखिए एक बार, 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स। ये एक्चुअली ऊपर वाले फार्मूले से ही फ्रेम हो रखा है, आप इसे अलग से भी याद कर सकते हैं कि सेल्स में से अगर ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकलता है, तो आपका मार्जिन कहलाता है वो। ठीक है अब इतना ही नहीं, इस टॉपिक के अंदर कुछ तीन चार चीजें सवाल सॉल्व करने के लिए और हमें सीखनी होती हैं। देखिए एज सच कोई बड़ा सवाल तो आएगा नहीं, लेकिन कोई छोटा भी सवाल है तो उसमें किसी भी तरीके से फार्मूला घुमा फिरा के लगाना पड़ सकता है। तो एक बार जरा हम इन कुछ और छोटे छोटे नोट्स को देख लेते हैं जो इन्हीं से बने हुए हैं जो ऊपर हमने पढ़ा है। आओ सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें फिक्स कॉस्ट गिवन ना हो, ऐसा जनरली बस एक ही टाइप का सवाल होता है, आप लोगों ने बेशक किया हुआ होगा वो सवाल, फिक्स्ड कॉस्ट अगर ना पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, से आप कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर सकते हैं तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगा। कैसे सर ये बताइए जरा, तो आओ जरा देखते हैं। देखिए ये फार्मूले सब इन्हीं से निकल के आएंगे और कुछ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट इसीलिए मैंने सबसे पहले सिखाई थी। देखो अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता लगानी है क्या है तो आप ये कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यही तो फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो। ठीक है अब क्या हम कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशो को बोल सकते हैं, क्या मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स इनटू पीवी रेशो बोल सकता हूँ, है ना। तो सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट, ये भी तो एक फार्मूला बन गया ना। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है अगर बाई चांस भूल भी जाएं तो पहले आप इस फार्मूले को याद करें कि आपको भाई कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड प्रॉफिट माइनस करना है। फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकल सकता है उसके बारे में अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के। ठीक है चलो एक और देखते हैं, सेल्स क्या होता है, टोटल सेल कितनी है, आपके ब्रेक इवन पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल जोड़ दो। ब्रेक इवन पॉइंट यानी जहां पे आप कुछ नहीं कमा रहे थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी जहां पे आप कुछ कमा रहे हो, दोनों को जोड़ो तो आपकी टोटल सेल्स निकल आएगी। ठीक है तीसरा पॉइंट जो है प्रॉफिट इनटू सेल, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस दिस। ये प्रॉफिट क्या है अगर मैं आपको इस फार्मूले को बोलूं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ये पढ़िए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछे प्रॉफिट कैसे निकलता है तो आप क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने से ही तो निकलता है प्रॉफिट, है ना, ऐसे ही तो निकलता है। अब
कंट्रीब्यूशन को क्या मैं फिर से, जैसे मैंने यहाँ कंट्रीब्यूशन को सेल्स इनटू पीवी रेशियो लिखा था, उसी तरह मैं यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन को सेल्स इनटू पीवी रेशियो लिख सकता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहा, ठीक है। तो आप कंट्रीब्यूशन का ये वाला फार्मूला जरूर याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको स्पेशल हाईलाइट किया है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो वाला, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं काफी देर पहले आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल कॉस्ट बाई चांस मिसिंग हो और आपको ये पता हो कि 100 में से 40% अगर आपका पीवी रेशियो है तो 60% क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे निकला 60% वेरिएबल है, 100 में से 40% माइनस कर दो तो 60% बचा, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप लोगों को ये कुछ स्पेशल फार्मूले भी एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार पूरा इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको अलग अलग करके एक एक करके नोट कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल चार्ट जो आपका पीवी रेशो यानी मार्जिनल कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है। आपको इसकी एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अभी तक आपने इतना कुछ सीखा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर उनके भी काम का है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।